गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज DLED फोर्थ सेमेस्टर गणित की भाग चार में चलिए हम आज शुरुआत करते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के लास्ट टॉपिक को पढ़ा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था कि कोणों, कुछ विशेष कोणों पर आधारित त्रिकोणमिति। तो जितना हमारा सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल, इसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वर्ग। तो पहले लिखते हैं वर्ग के विषय में क्या होता है वर्ग। जैसा कि नाम से क्लियर होता है वर्ग, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं वर्ग क्या होता है। किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हमको मिलती है यही इस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। फिर से सुनेंगे, यदि किसी संख्या में उसी संख्या की गुणा किया जाता है तो जो मान प्राप्त होता है उस मान को उस मूल संख्या का वर्ग कहते हैं। तो 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसको कह सकते हैं 5 × 5 = 25। तो मतलब ये क्या है, 5 का वर्ग है। ये हमारा क्या होता है, वर्ग। अब जस्ट इसी से संबंधित क्या होता है, वर्गमूल होता है। वर्गमूल क्या होता है कि मूल, मतलब वर्ग किस मूल संख्या से बनी हुई, वर्ग जिस मूल संख्या से बनी हुई होती है उसे हम वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, वर्ग मानिए 25, जिस मूल संख्या से इसका निर्माण हुआ है उस मूल संख्या को वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए हम इस अंडर रूट, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम करणी कहते हैं या इंग्लिश में हम इसे रूट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, करणी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रूट। ठीक है, तो ये क्या है, इस चिन्ह के प्रयोग करते हैं हम वर्गमूल के लिए। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ये चीजें हमने अभी सीख लिया। फिर से एक बार इसको देखेंगे कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है तो जो मान प्राप्त होता है वह मूल संख्या का वर्ग होता है। और वर्गमूल क्या होता है कि वर्ग द्वारा प्राप्त संख्या जिस मूल संख्या से बनी है उस संख्या, मूल संख्या को, उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। तो ये तो हो गई डिफिनेशन। अब देखिए एग्जाम्पल के जरिए इसको हम क्लियर करते हैं कि कैसे वर्ग और वर्गमूल हम निकालते हैं और किस तरीके से इनकी संकल्पना होती है। चलिए देखते हैं आगे, एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, कहते हैं कि 4 परिमेय संख्या 4/7 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि परिमेय संख्या 4/7 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, वर्ग के लिए हमने क्या बताया, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4/7 × इसको हम स्क्वायर से भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग के लिए किसी भी संख्या को का स्क्वायर या उसके घात 2 लगाकर भी हम वर्ग से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी संख्या यदि घात 2 कर देते हैं तो उसके वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो इसको लगाएं कहते हैं, स्क्वायर का मतलब 4 × 4/7 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/49। इसका वर्ग क्या हो गया, 16/49, तो 16/49। इस मूल संख्या का वर्ग कितना हो गया, 16/49। तो इस प्रकार हम वर्ग वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखिए 16, ठीक है, 16 का वर्ग क्या होगा या 16 का स्क्वायर क्या होगा। तो वही प्रक्रिया जो प्रक्रिया हम जानते हैं, इसी संख्या का 2 गुणा, स्क्वायर का मतलब क्या था, इसी मूल संख्या का 2 गुणा, माने 16 × 16 कर देंगे तो जो भी मान आएगा वो इस 16 का क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। देखिए पहले 16 × 16 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 256। तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ध्यान से और भी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं क्या होता है। देखिए अब हमको निकालना है 23 का वर्ग क्या होगा, का वर्ग। ठीक है, वर्ग को हमने पहले बता दिया, वर्ग को क्या होता है, संख्या के घाते 2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि संख्या किसी भी संख्या के घात 2 लगी है तो मतलब उसका वर्ग निकालना है, यह हमारा प्रश्न कहता है। तो हमसे कहते पूछा गया 23 का वर्ग ज्ञात करना था। सेम फार्मूला हम जानते हैं, 23 × 23, तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, 23 × 23, तो जो भी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, वर्ग होगा, इस संख्या 23 का वर्ग होगा। तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा, 529 क्या है, इस संख्या का वर्ग है। तो इस प्रकार हम वर्ग की संकल्पना
करते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रश्न में, हमारे पाठ्यपुस्तक में, हमारे प्रश्न में, जो भी हमारे पेपर में इस प्रकार के प्रश्न अगर मिलेंगे तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल मेथड है दोस्तों, आसानी से आप इसको सीख लेते हैं। जहाँ भी वर्ग आपको कहीं भी वर्ग दिख जाए, वर्ग शब्द अगर हिंदी में दिख जाए, इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर कहते हैं। यदि ऐसा शब्द कहीं हमको मिल जाता है, बस उसका क्या करना, उसी संख्या का उसी संख्या में दो बार गुणा कर देना, जो भी मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। बाकी हमने एग्जाम्पल यहाँ से सीख लिया है, अब हम देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल में तो हमने अंतर सीख लिया, क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल। तो वर्ग वर्गमूल में हमने सीख लिया। अब एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, उसको हम नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्गमूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। क्या होता है पहला पॉइंट कि वर्ग, वर्ग जो है पूर्णांक संख्या, क्या होता है इसमें कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पूर्णांकों संख्याओं के वर्गमूल, जो पूर्णांक संख्या होती है, किसी भी पूर्णांक का, पूर्णांक का वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं, किसी भी पूर्णांक के दोनों होते हैं। किसी भी पूर्णांक का वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, और दूसरा फैक्ट क्या है आपका, शून्य का वर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शून्य का वर्ग शून्य होता है, शून्य का वर्ग शून्य होता है, और शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है, शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि किसी भी पूर्णांक का वर्गमूल, किसी भी पूर्णांक का वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। अभी हम इस पॉइंट को और भी क्लियर करेंगे जब हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वर्गमूल के जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को हम और भी क्लियर करेंगे कि क्या यह कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, शून्य का वर्गमूल, शून्य का वर्ग शून्य होता है। ठीक है, यदि किसी में कहीं आपको मिल गया शून्य और इसका स्क्वायर मिल गया तो इसका मान सदैव यही होता है। इसमें आप जरा भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसका मान कुछ दूसरा होगा, इसका मान स्वयं वही शून्य ही होगा। ठीक है, और ये अगर कहीं मिल गया, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है शून्य का वर्गमूल ही शून्य होता है। यदि इस फॉर्म में हमको शून्य मिल जाता तो इसका भी मान क्या होता है, जीरो होता है। हम जरा भी इसकी जाएंगे नहीं, यदि इस मान, यह मान हमसे पूछा जाता है, इसका मान पूछा जाता है कि अंडर रूट में जीरो का मान क्या होता है, तो हम तुरंत अंतर बताएंगे कि जीरो होता है, क्योंकि यह हमारी नियम यह है कि वर्ग शून्य का वर्गमूल सदैव शून्य होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको हल करते हैं, जरा भी कठिनाई नहीं होगी इसमें, आप आसानी से बोर्ड की तरफ देखते रहिए। बहुत ही सरलता से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। हमसे कह दिया गया कि 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा है 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहे हैं कि 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, आप वर्गमूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कर्णी या अंग्रेजी में इसको हम रूट करते हैं। तो सबसे पहले साल में हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 144। ठीक, यदि कभी वर्ग या घन में कंफ्यूजन होता है तो जानकारी के लिए यहाँ इसको हम 2 दिखाते हैं, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है कि जब भी यहाँ से रूट मध्य जो भी हम संख्या निकालेंगे वह 2 के पेयर में बाहर निकलेगा, मतलब पेयर में बाहर निकलेगा। यदि यहाँ 3 लिखते हैं तो घनमूल को प्रदर्शित करता है, इसलिए अगर कभी कन्फ्यूजन वर्गमूल या घनमूल में होता है तो उसकी जानकारी के लिए यहाँ 2 लिखते हैं। तो यहाँ तो मामला एकदम क्लियर है, क्योंकि वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है, इसको हम लिखे या न लिखे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हम बेसिक स्तर में देख लीजिए, पूरा तरीके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 144 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 7 2 36 18 9 3 3। ठीक, कितना, अब इसको इस फॉर्म में करेंगे, जितना भी इसका गुणनखंड आया है उसको भी रूट में रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
अब देखेंगे जिस जिस अंक का पेयर बन रहा है, माने जिस जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि वर्गमूल में जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है उसको हम करनी से बाहर कर सकते हैं, यह हमारा नियम होता है। तो देखिए किसका जिसका जोड़ा बन रहा है, इस दो का बन रहा है, इस भी दो का बन रहा है और इस तीन का बन रहा है। तो हो गया ये दो गुड़े दो गुड़े तीन, तो दो दूनी चार त्याई बारह, तो प्लस माइनस बारह। इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस बारह। दोस्तों अभी हमने टर्म लिखा था कि किसी भी पूर्णांक के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं, इसलिए इसको प्लस तथा माइनस दोनों से हम प्रदर्शित करते हैं। तो 144 का सही आंसर होगा प्लस माइनस 12। यह वर्गमूल किसका है, 12 का, ठीक है। 144 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। मतलब 12 वह मूल संख्या है, 12 वह मूल संख्या है जिसका वर्ग क्या है, 144 है। क्लियर। और भी एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 अपान 49। क्वेश्चन नंबर दो है कि 36/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 36/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है, परिमेय संख्या के फॉर्म में है, मतलब p बटा q के रूप में है, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जरा भी हिचकिचाना नहीं है, वही मेथड है, जैसे हम सॉल्व करते चले हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है, वही नियम यहाँ भी लगाना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, इसको तुरंत हम पहले अंडर रूट फॉर्म में करेंगे 36/49, फिर वही नियम यहाँ करेंगे 36, ठीक है। अब इसके बाद 49 का 7, आप इसको बिना मतलब ज्ञात किए भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है बीटीसी स्तर के लिए कर रहे हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, डीएलए डेटर में। क्योंकि क्या होता है, यदि यह एक या दो नंबर में आया तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे मार्क्स से काट लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा उस स्तर का है कि हमको पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए फिर इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट फॉर्म में रखेंगे कि इसका जो गुणनखंड कितना होगा 36 का, 2 × 2 × 3 × 3 बटा 49 का 7 × 7। अब देखिए इस 2 का जोड़ा बन रहा है और इस 3 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 2 और 3 को बाहर करेंगे और यहाँ से 7 को बाहर करेंगे, तो आ गया 2 × 3 = 6/7। तो इसका जो आंसर हो गया वो प्लस माइनस 6/7, ये आंसर हमारा होगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार हम वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं। बहुत ही आसान विधि है, आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। और भी संख्याएं देखते हैं हम। चलिए अब हम वर्ग और वर्गमूल के जो है मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आसानी से समझ लीजिए, अभी और भी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और भी सरल होती चली जाएंगी, यदि आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ध्यान दीजिए इसको हम मिटा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ग बहुत सरल है, दिक्कत कहाँ होती है स्टूडेंट को, वर्गमूल में, क्योंकि वर्ग की संकल्पना बहुत सरल होती है। वर्ग क्या होता है, हमने ये सीख लिया, वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या उसी संख्या का 2 बार गुणा, तो वर्ग की संकल्पना बहुत सिंपल होती है, दिक्कत हमें यही वर्गमूल में होती है। तो आज हम एकदम बेसिक परिचय वर्ग और वर्गमूल का देखेंगे और कल ये देखेंगे किस किस विधियों से वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना होती है। तो चलिए आज और रिवीजन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 256/441 का वर्गमूल क्या है।
ठीक है दोस्तों, प्रश्न हमारा क्या है कि 256 बटा 441 का वर्गमूल क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं बदला है, नियम पुराने जैसा है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रूट में करेंगे, क्योंकि वर्गमूल की संकलन हम जाते हैं, सबसे पहले इसको अंडर रूट फॉर्म में करेंगे तभी दिखेगा इसका वर्गमूल निकालना। अब इसको रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 256 अपान 441। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि बिना गुणनखंड के हम पेयर नहीं बना सकते और कोई भी संख्या को बाहर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका गुणनखंड। देखिए क्या हो जाएगा, ये 264 ध्यान दीजिए। अब इसको अंडरलाइन कर दिया, 404 का 41 का 3 तो हो जाएगा, पहले 3 1 3 आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं तो इतना समय आपके पास नहीं रहेगा। अब इसको और भी सरलता से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए किस संख्या का वर्ग बन सकता है। आगे देखिए अभी कितने कटेगा, देखिए ध्यान से जरा सा, 3 फिर कट जाएगा, ये नहीं 3 से नहीं कटेगा, कहीं मिस्टेक हो रही थोड़ा बहुत, ध्यान दीजिए जरा सा, 3 1 3 ठीक, बचा कितना 1, तो उसके बाद 3 4 12 ठीक है, 3 4 12 फिर बचा कितना 2, 3 9 27 फिर देखेंगे इसको ध्यान से, फिर 3 से कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, हाँ ध्यान से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 1 3 ठीक, बचा कितना 1, फिर 3 4 12 फिर 3 7 21 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व करना, जल्दबाजी चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 4 12 3 9 27 फिर 7 7 49 7 1 7 जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका हम गुणनखंड यहाँ निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए आप। अब ये क्या हो जाएगा, जितने भी हमने गुणनखंड निकाले 256 और 441 को, उसको यहाँ पर हम नोट करते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 और 8 इसको जरा सा इधर करेंगे हम, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपान 3 × 3 × 7 × 7 ठीक है। अब देखिए जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 अपान 3 × 7 तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस 2 × 4 × 8 × 16 और 3 7 21 तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा क्या, 16/21 इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 16/21 इस प्रकार से परफेक्ट ये आपका वर्गमूल निकल गया। तो इसी प्रकार हम परिमेय संख्या हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और भी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको यह हेल्प करेगा। चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत सही सिंपल है एकदम मित्रों, इसी आधार पर यह लगेगा। अगला है 2 सही 14/25 का वर्गमूल क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3 कि 2 सही 14/25 का वर्गमूल क्या है। तो ध्यान दीजिए,
सबसे पहला काम यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा भिन्न मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न में दिया है, सबसे पहले उसको हम साधारण भिन्न में करेंगे, क्योंकि बिना साधारण भिन्न किए हम इसकी वर्गमूल की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसमें काम करेंगे, इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में परिवर्तन करेंगे। तो साधारण भिन्न में परिवर्तन करने के लिए क्या होता है कि इस वाले संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी का जो अंश होता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो 25 × 50 और 50 × 10 = 64 / 25 ये हमारी संख्या हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई जिसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब पुनः हमें हमारी परिमेय संख्या बन गई, तो परिमेय संख्या बन गई तो पुनः उसी नियम से हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। देखेंगे क्या हो जाएगा इसका नियम। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे 64/25। ये हमारा बन गया रूट में, मतलब इसी काम को वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए पुराना विधि, पहले इसका 64 का गुणनखंड करेंगे फिर 25 का गुणनखंड करेंगे, जो भी संख्या का जिसका भी जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालेंगे, जो मूल संख्या हमारी आएगी उसी का यह वर्ग बनेगा। चलिए निकालते हैं पहले 64 का, देखिए 64 का गुणनखंड। अब निकालते हैं 25 का, तो 25 का हो जाएगा एकदम सिंपल है 5 5। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो भी गुणनखंड हम निकालें इसको ही हम अंडर रूट में रखते हैं।